आप उस चीज़ को वेखिए आमदन का पक्ष, तो जो आप इस खेती जुड़े हैं काफ़ी लंबा समा जिहड़ा वा ना सानू कई तरह के घाटे नुकसान झलते रहे हैं, तो घर के जियां भी फिर जिहड़ा वा ना, जे कणक झोने की खेती की गल करिए इको दिन बिजाई हो जाती है, इको दिन कंबाइन कटाई हो जाती है, तो दाने वेच के दाना चौं दाना च वेले मतलब फसल बिजाई तो कटाई तक का जिहड़ा साडा हैगा ना मेन काम, तो तीन मुख काम हुंदे ने बिजाई का, कटाई का, तलाई जी मंडी की करनी। एक कुछ दवाइयां दो सौ एक सौ पंजा तुहाडे हो गए बापू जी 1350। इस वेले तो मेरे को नहीं है, बाकी खाते च लिख लो। पापू जी आज फिर किन्ने लिखा खाते च? हुण कोई भी पैसा खाते च लिखण दी लोड़ नहीं। कोई लॉटरी लग गई बापू जी? भाई समझ लो लॉटरी लग गई है। जदों दी पंजाब दी भगवंत मान सरकार ने महंगे बिजली दे बिल जीरो करके साडे सिरां तों बोझ लाया ना, सानू उधार लैण दी लोड़ ही नहीं पैंदी। हुण तां समझ लो भई पंजाब दे घर घर दी ना लॉटरी लग गई है। भगवंत मान की अगवाई वाली पंजाब सरकार च पंजाब दे लगभग 86% परिवारों का बिजली का बिल जीरो आया है। हर वो फसल बिजली शुरू की गई है, मां मूंगी मकर छोले सरों तिल अलसी कणक जौ ओट्स हल्दी गन्ना अपना ही आदि बीजे हैं। ऐसा पाया इधर तुम जी है ना हल्दी की फसल नजर आएगी जिहड़ी कि कोई करीब करीब 11 महीने की 10-11 महीने फसल होंगी है, ये असी बिजाई की है। तो इस तो अलावा इधरले पासे नज़र आएगी ये हैगी है जी कणक की फसल, ये कणक जी देसी कणक है जो साडे बजुर्ग खाया करते थे, ये कणकों के झाड़ साडिया जिहड़ियां अजोकी फसल ने अजोकी जो बीज ने यूनिवर्सिटी वाले उन्होंने झाड़ घट है लेकिन खुराकीता तो वधेरे ने, और इन कणकों च ऐसे गुण ने कि जिहड़े कदे कोई ग्लूटन एलर्जी वाले जिहड़े हैगे ने पेशेंट उन्होंने भी जरा वाले नुकसान नहीं करते। जिला गुरदासपुर का जो पिंड रंगीलपुरे की गल करिए तो इतों के एक किसान जोड़े ने ऑरगैनिक खेती ये कह सकते कि एक वो ऑरगैनिक खेती के नाल नाल रवायती जी खेती कर रहे हैं, वो वक्री पहचान इस किसान ने बनाई है। पिछले काफ़ी लंबे समय तो 11 भावें 12-22 एकड़ के मालक ने लेकिन 11 एकड़ ऐसी फसल कर रहे हैं जिहड़ी फसल शायद उहदे विच कई ऐसिया किस्म ने फसल दियाँ, जे आप रवायती कणक की गल कर लिए या होर जिहड़ी कुछ ऐसी फसल इन्हां नाल ही गल करदे किहड़ियां जिहड़ियां हुण अलोप हो चुकी हैं जिहड़ियां बिल्कुल उहदी बिजाई नहीं हुंदी, उहदी काश्त ही नहीं की जाती। मेरे नाल ने किसान, अपना नाम दस दिओ जी। मेरा नाम सरदार गुरमुख सिंह है जी, पिंड रंगीलपुर तहसील बटाला जिला गुरदासपुर का रहने वाला जी। पिछले कोई 10-12 साल तो आपां कुदरती खेती करते आ रहे हैं, जिदे असी कोई जड़िया साड़ी पुश्तैनी फसल बजुर्गों वाली फसल जड़िया साडे बजुर्ग खाते से वो फसलों की जी है ना जी साड़ी हुण दी जी किसानी ने वो अपनी सौख नूं मुख रखदे आ। मशीनीकरण होने बाद जिवें कणक झोने के फसली चक्कर जो साडे किसान फस चुके हैं और इहदा जिहड़ा वा ना हुण बुरे असर बहुत वड्डे व्यापक पद्धर ते नज़र आ रहे हैं, जिदे नाल कि आपां देखण दे आ वी हस्पतालां च लाइनां लगियां पईआं ने, हर घर जिहड़ा वा ना रोज़ जिहड़ा कोई ना कोई दवाई लैण वास्ते जाणा पैंदा किसे नूं हर जीव नूं। तो ये जिहड़ियां चीज़ां नूं देखदे आ ते दूजा जिहड़ा मुख रूप च असीं अगर गल करिए कि जदों भगत असीं पढ़दे सी कॉलेज उस समय भगत पूरन सिंह होणी जिहड़े सीगे पिंगलवाड़े वाले महापुरश उन्हां दे दर्शन हुंदे सीगे, उन्हां नाल जाणा दरबार साहिब तों ना जिहड़ा लिटरेचर देणा उस लिटरेचर तो जिहड़ा वा वो जानकारी उत्सुकता पैदा हुई भी सानू जिहड़ा वा ना वो अपना वातावरण मिट्टी हवा पानी जिहड़ा वा बहुत वड्डे पद्धर ते इहदा आने वाले समय च बदलाव आ रहा वा
और घटिया पद्धर से जा रहा सारा सारा जो है हिसाब किताब तो फिर असं उन्होंने जोड़ा वा ना उन्होंने उतो सारी जानकारी मिलने तो बाद मन में शुरू तो ही सी एक गल कि आप जरा वा ना अपने जोड़े कुदरती स्रोत है इन्हें संभाल करनी है। बाबे नाग की कृपा नाल नितनाम नवे जुड़े थे तो बाबा रोज पढ़ते से पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत बुलहारी कुदरत तपस्या तिरंत ना जाई लख्या तो वह गल्ला जीडिया मन च वसिया हुई सी आप आने वाले अपने जो अं जीवन व्यापन करना वा अपना जोड़ा तो वो अं जो इन्ह कुदरती स्रोतों जोड़ा वा ना वो संभालना आ और इन्हों की जी आने वाली नस्ल पीढ़िया वास्ते जो वा संभाल के रखना वा। लेकिन गुरमत जी जो जीवन बतीत करना कुदरती खेती कर रहे हो तुम मैं कई जगह पर देखा कई ऐसे किसान ने तुम भी उन्होंने ही हो कि जे कुदरती खेती कर चुके लेकिन बड़िया औकड़ा हो क्योंकि खेती तो तुम चुन ली लेकिन कई बार होंगे कि परिवार के कई लोड़ा जड़िया कुदरती खेती शायद उस तरीके पूरी नहीं कर पाती जी। बिल्कुल आप जी ने सही कहा वीर जी गुरप्रीत जी जरा सा जे आप उस चीज़ में वेखीए आमदन का पक्ष तो जो आप इस खेती जुड़े हैं काफ़ी लंबा समा जरा वा ना सू कई तरह के घाटे नुकसान झलते रहे हैं तो घर के जियानू भी फिर जरा वा ना जे कणक झोने की खेती की गल करिए इको दिन बिजाई हो जाती है इको दिन कंबाइन कटाई हो जाती है तो दाने वेच के तना चौं दाने च वेले मतलब फसल बिजाई तो कटाई तक का जोड़ा साडा हैगा ना मेन काम उस तीन मुख काम होंगे ने बिजाई का कटाई का तलाई जी मंडी करनी है ये तीन मेन कंपोनेंट अं बड़े सौखे वेले हो जाते हैं। लेकिन जब आप कुदरती खेती शुरू की और हर वो फसल बीजनी शुरू की जो माँ मूंगी मसर छोले सरों तिल अलसी कणक जौ ओट्स हल्दी तो गन्ना अपना ही आप बीजते हैं तो इस तरह जो वक् वक् फसल बीजनिया शुरू की हूँ जोड़ा वा वो किसी फसल का पकड़ का समा जोड़ा वा अज आ किसी का 15 दिन बाद आ किसी का 2 महीने बाद आ वह जो लंबा समा घर दे जिया काम लगना पैंता सीगा तो फिर औख महसूस करते सके फिर असी उन्होंने ये प्रेरणा की भी देखो ये जोड़ा वा ना औख हैगी पर आपू जो वा ना अपने जीवन अपना शरीर अपना वातावरण मिट्टी हवा में देखते हुए सू औख जी करनी पैनी है हूँ आस्ते आस्ते फिर आप जो सारा सारा सा परिवार जो है बिचल हो चुका वा काम कर रहे हैं। कुछ मैं हूँ तुम्हें पूछागा कि आप फसल बारे दसो ये फसल है और इधरले पासे कि है क्योंकि मैं ये देखता पा कि आप जो तो पे चलते पे हाँ तो दोवे पासे वक् वक् फसल ये नहीं कि एक फसल मैनू इतने फसल ही खड़िया तीन चार नजर। हाँ जी ये जेडे तुम इस हथे इधर तुम जी ना हल्दी की फसल नज़र आएगी जी कि कोई करीब करीब 11 महीने की 10-11 महीने की फसल होंगी है ये असी बिजाई की है तो इस तो अलावा इधरले पासे तो नज़र आएगी ये हैगी है जी कणक की फसल ये कणक जी देसी कणक है जो सा बजुर्ग खाया करते थे ये ना कणक के झाड़ साड़िया जड़िया अजोकी फसल अजोकी जो बीज ने यूनिवर्सिटी वाले उन्होंने इन्हों झाड़ घट है लेकिन खुराकी तत्व वधेरे ने और इन कणक ऐसे गुण ने कि जेडे कित कोई ग्लूटन एलर्जी वाले जोड़े है पेशेंट उन्होंने भी जोड़ा वाला नुकसान नहीं करते तो दूजी गल भी असं ये हथी मतलब जोड़ा वा ना मेहनत करके गुडाई करके किसी किस्म की जहर जहर दवाई खाद नहीं वरतते तो इस तरह दूजे खेतों सामने नज़र आऊगा वह जौ देखने कणक वाली फसल वर्ग ही नज़र आने लेकिन जौ भी बीजे हुए हैं और जौं का भी बीज जोड़ा साढ़े को बहुत पुराना बीज आ जोड़ा एक जिन्होंने अंग्रेजी नेक्ड बारले कहें छिलका रहत छिलका रहत बीज तो ये आम तुम इतने नहीं कित मिलेगा ना बाजार मिलने इस तरह हूँ असी ये इस तरह चार वरायटीज हो रही लेह लद्दाख तो कोई मेरे सज्जन ने उत्थे उन्होंने मेरे भेजिया सगिया जी बहुत पुरानी वरायटियां सगिया वो भी मैं अपने खेतों ट्राई कर रहा थोड़ा थोड़ा रकबा ला के की चीज़ ने वो भी जौ ने जी जौ हाँ जी जौ की वरायटियां तो मैं हमने गया मैसूर साढ़ा एक उत्थे किसान सम्मेलन जिद मैंने किसान एक मिले वो को मैं बीज मिले अपना उन्होंने खपली गेहूं कहें हिंगली हिंदी उस कणक के उपर छिलका हों वह भी देसी कणक है बहुत पुरानी कणक है वह भी मैं अपने खेत ट्रायल किया लाया हुआ वा तो इस अलावा मेरे को ओट्स आ जिन्हों आप जवी कहें लेकिन ओट्स इंग्लिश नाम लिया जाता है तो वो जरा बहुत वधिया हैल्दी है साड़ी डाइट में अगर होना तो सरों की फसल साढ़े खेतों में नज़र आएगी मसर तो नज़र आने साढ़े खेतों च सरों बड़ी वक्री दिख दे रही है सरों भावें थोड़ी जल दिखने लगती भी लेकिन वो एक खेत का कह लीए कि वक्रा एक शिंगार हाँ जी ये जी सामने नज़र आ रही है बरसीम सरों आ तो जी पकावी सरों दूजे खेत में आओ भी तुम दिखा दिना तो मसलों वाला खेत भी दिखावे तुम तो ये जी ना हर अपनी जी घर की लोड़ वास्ते और मसलों के असी जो वा ना वो लाइना च बिजाई की हुई मेथे वो धनिया वो जवैन सौंफ
ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਹਲਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਔਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਔਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਆਪ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਆ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਪਜ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਰਹੂਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਔਰਗੈਨਿਕ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਔਰਗੈਨਿਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਚਾਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਸਾਥੀ ਉਹ ਹੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਔਰਗੈਨਿਕ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅੰਡਰ PGS ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹਰ ਛਮਾਹੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 11 ਏਕੜ ਦਾ ਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਤਲਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹਿੰਦਾ ਸਮੇਂ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਡੱਪਣ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਔਰਗੈਨਿਕ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਮੂਲ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਮੂਲ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਮਾਰੇ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਕੋਧਰਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਧਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਧਰਾ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਧਰਾ ਉਹ ਅਨਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਖੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਨਚੋੜਨ ਵਾਲੀ, ਔਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਚੋੜਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਵਧੇਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਧੀਆ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਾਂ ਦੇ ਚੌਲ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਵਾਂਕ ਦੇ ਕੰਗਣੀ ਇਹ ਆਮ ਪਛਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰੀ ਕੰਗਣੀ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੁਟਕੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਮੱਡਲ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਨਾ ਇੱਕ ਅਨਾਜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲਟਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਮੂਲ ਅਨਾਜਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਜਵਾਰ ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਤੋਤਾ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਸਮਤੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਔਰਗੈਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖੇਤਰ ਆ ਇਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਪਰਾਲ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਤਕੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਸਮਾਰੋਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮੂਲ ਅਨਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰੇਲੂ ਬਗੀਚੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਆਉਣਾ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਉਹ 30 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਲੰਚ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਗਵਰਨਰ ਜੀ ਨਾਲ, ਮਾਣਯੋਗ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੰਚ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ
सरकार के नुमाइंदे मिल चुके हैं जिसे असं उन्होंने कहा भी तुम साड़ी जी कुदरती कुदरती खेती के जोड़े साढ़े किसान है इन्हों जे बह फड़ो क्योंकि ये हूँ समय की मुख लोड़ है जोड़ा जिन्हों क्लाइमेट चेंज का इस वे बहुत व्डा रौला वर्ल्ड लैवल पर पैन डाया और जी अं समस्या में झेल भी रहे हैं मसले जोड़े ना सूद मुश्किल से झेल भी रहे हैं मौसम की तब्दीली आप देख रहे हैं आ दसंबर का महीना वा मैं कल परसों का थोड़ा हवा ठंडी चली है नहीं तो यह भी जरा वा गर्मी जान डाया तो ये जड़ियाँ है तब्दीलियाँ उन्होंने अगर असी समा रेंद अपन जेड़े आ खाण पीण रहन सहन तो खेती दधिया ना तब्दील की तो सू बहुत वही मुश्किल आऊगी सो इस करके कुदरती खेती के जो किसान है जो शुरू आ लगते हैं उन्होंने बहुत मुश्किलों का सामना करना पैंता वा जिमें आप जी ने मार्केटिंग की गल की सब तो वही मुश्किल उन्होंने मार्केटिंग की आँदी है कि उन्होंने महंगे भाव का अनाज पैदा किया हों गोडियां करके तो उन्होंने जोड़ा वा संभाले हूँ फसल में तो उन्होंने अनाज तो विकता नहीं गा बेचारे फिर जरा अच्छे खेती छड़ देंगे ने तो ठीक है दवाई खाद वाली ठीक है तो आम तौर पर जी तुम गल की है कि इतने वो लोग भी है जो बदनाम करने वाले ने कि करना थोड़ा वह तो बेचना बहुत आया जो एक कला बीजा कणक का कुदरती खेती तो 10 किलो कण फसल बेच लेनी ऐसे किसान है जोड़े सूँ जो नुकसान पहुँचाने वाले ने असं उन्होंने कहा भी बकायदा जो सर्टिफिकेशन भी करो उस तो अलावा जोड़ा वा किसानों जोड़ा उन्होंने जी लोड़ वाले जोड़े संद ने छोटे संदा सबसिडी भी दो तो इन्होंने जोड़ा जी तो सबसिडी जे ऑरगेनिक छड़ के जो दूजी कैमिकल खेती करते हैं तो खादा दवाइया जी सबसिडी देंगे हो घट्टो घट्ट उन्नी सबसिडी इन्होंने किसानों किसी ना किसी होर रूप से दो जोड़ा इन्हों का जोड़ा वा ना इस खेती च अगे वधन जुड़े रहन अगे वधन तो ये जोड़ा ना इस खेती होर वधाउन और जी बिल्कुल अच्छा ये गुरमुख सिंह और गुरमुख सिंह का जरा आप खेत मैं फिर तो अपने कैमरामैन कह दिखाए कि हल्दी की खेती तुसी देख रहे हो और जे इन्हों की गल करिए तो उन्होंने कहना कि सन्मान जरूर मिलते हैं सन्मानित भी किया जाता कुदरती खेती करके एक मन की एक जी खुशी है जी एक मन का उल्लास आ जरा वो वक्रा उन्होंने परिवार पूरा इस किते जुड़िया काफ़ी सालों तो जरा कुदरती खेती लेकिन औकड़ा भी बहुत ने और उन साफ तौर पर गुरमुख का कहना कि अज सरकारों भी लोड़ है कि ऐसे जेडे उन्होंने वर्गे जेडे किसान ने चाहे वह शुरुआती दौर